तो आज खटीमा में हमारा थर्ड डे है और हम जा रहे हैं एक मस्त सी जगह घूमने, जहाँ मम्मी हमें ले जा रही है। मम्मी छोटे में गई थी, छोटे में गई थी ना मम्मी, तो मम्मी छोटे में गई थी तो वही मम्मी हमें घुमाए ले जा रही है। तो नाम तो मुझे पता नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा। और मैं आपको सारा कुछ कवर करके दिखाऊंगी कि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा और कितना एंजॉय किया। तो मिलती हूँ गाइस सीधे आपको उसी लोकेशन पे। गाइज़ एक बार हम फिर से बैठ गए टुक टुक पर और हमने फिर से इसकी एक बार सवारी की। तो गाइज़ यहाँ का वेदर भी बिल्कुल दिल्ली की तरह ही था, मतलब गर्मी यहाँ पे भी उतनी ही थी जितनी दिल्ली में थी, लेकिन हवा चल रही थी तो उतना ज़्यादा हमें गर्मी फील नहीं हुआ। वो जो जहाँ पर वो नहीं है पुल, उसमें नेपाल आ गया ये। और यहाँ पर हमारी टूरिस्ट गाइड थी हमारी मम्मी, जो हमें यहाँ के बारे में सब कुछ बता रही थी। देखिए ये तो कौन सी नदी अम्मी? शारदा। तो ये है शारदा नदी गाइस, देखिए कितनी बड़ी है। मोबाइल का उपयोग ना करें। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम सीधे अपनी लोकेशन पे, जहां मम्मी हमें लेके आई है। कौन सी जगह मम्मी है? ये है बनबसा। हाँ, तो ये है बनबसा जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है ना। हाँ, ये नेपाल बॉर्डर के पास है। तो मम्मी हमें यहाँ घुमाने के लिए लेके आई है और बता रही है हमारी सारी चीज़ें कि यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए स्पेशल। तो अभी हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, देखते हैं कि और क्या आगे एक्सप्लोर करते हैं। जगह थोड़ी सी दिखाती हूँ आपको, थोड़ी अच्छी अच्छी जगह मम्मी के साथ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है नेपाल बॉर्डर, मतलब इसके पुल के पार नेपाल स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस ये है शारदा बैराज बनबसा। चलिए मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाती हूँ कि ये पास से कैसा दिखता है गाइस। ये देखिए यहाँ साइड में नदी और इधर भी साइड में नदी और ये पूरा पुल है गाइस। ये देखिए ये था गाइस बनबसा का बहुत ही फेमस गार्डन जो मुझे आपको दिखाना था, बट अफसोस कि ये गार्डन पूरे एक साल से बंद था तो हम भी इसे नहीं देख पाए अंदर से। आगे चलते चलते हमें मिली एक छोटी सी बकरी, मतलब बकरी का बच्चा था जो जिसके साथ हमने बहुत खेला। मम्मी ने भी उसको बहुत प्यार किया, मैंने भी और मेरे छोटे भाई ने भी। तो गाइस ये देखिए पीछे पूरी नदी है और यहाँ पीछे मेरे भाई और गार्डन पीछे। बनबसा घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो फिर हम सीधे आ गए अपने होटल। और हमारे होटल के पास में ये छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने बहुत ही टेस्टी फूड खाया, लेकिन यहाँ भी वेजिटेरियन ही फूड था गाइस। तो गाइस बनबसा हम गए तो सही, लेकिन जो गार्डन मुझे आप लोगों को दिखाना था वो गार्डन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बिकॉज वहाँ जाके हमें पता चला कि वो गार्डन पूरे एक साल से बंद है, ओपन नहीं था। हमने फिर भी मतलब जाने की कोशिश की, बट वो एक्चुअली क्लोज था। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब मैं वापस यहाँ पे आऊँगी, अगर मैं इस जगह आई तो मैं आपको डेफिनेटली वो गार्डन ज़रूर दिखाऊँगी जहाँ मेरी मम्मी ने विज़िट किया था। तो चलो इस बार के लिए कोई बात नहीं। बाकी मैंने आपको डैम वगैरह दिखाया, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और इन्जॉय कीजिए गाइस। इवनिंग के बज रहे थे 5 o'clock गाइज और हम पहुंच चुके थे खटीमा के इस मार्केट में, जो मैं आपको लास्ट ब्लॉग में पूरा नहीं दिखा पाई थी बिकॉज ये उस दिन क्लोज था। और यहाँ से परचेज़ किया मैंने अपने लिए एक पहाड़ी ग्लोबल और एक पहाड़ी नट, जो कि मेरी मम्मी ने पसंद किया था मेरे लिए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। खटीमा का ये मार्केट बहुत ही बड़ा था गाइस, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में सरोजिनी नगर मार्केट है और भी बहुत सारी मार्केट है, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट था और यहाँ पे भी काफ़ी रश था जैसे कि दिल्ली में होता है। मार्केट से घूम के हम सीधे गए गुनगुन ज्वेलर्स, जहाँ पे मैंने अपनी मम्मी के लिए गोल्ड की नोज पिन और एक चांदी की पायल परचेज की, जो कि गाइस बहुत ही सुंदर थी जैसा कि आप देख सकते हैं। पायल पहनने के बाद तो मेरी मम्मी इतनी खुश हुई ना गाइस, मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मम्मी को देख के मैं कितनी खुश हुई। मैं तो इसलिए भी खुश हो गई थी गाइस क्योंकि जो चांदी की पायल मुझे दिल्ली में 45,000 की पड़ रही थी वो मुझे यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई गाइस। तो गाइस बज रहे हैं खटीमा में रात के 9 और हम खा रहे हैं पिज्जा, हम कर रहे हैं पिज्जा पार्टी। ये देखो क्या है ये पिज्जा। तो मम्मी ने नई नई दिखा नई नई पायल पहनी है तो इसलिए मम्मी बहुत खुश है और मम्मी पिज्जा खा रही है। ये देखो मम्मी अपनी पायल दिखा रही है, देखो। तो मम्मी ने यहाँ से नई नई चांदी की पायल ली है
और मम्मी पिज्जा पार्टी कर रही है इसी खुशी में, ये देखो। खाए आप पिज्जा? हाँ तो गाइस अब हमें डिस्टर्ब ना करें, हम कर रहे हैं पिज्जा पार्टी। तो गाइस आज हमारा खट्टी मामी लास्ट डे है, हम जा रहे हैं अब दिल्ली, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय कर लिया है और बहुत सारा टाइमिंग स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा है ना मम्मी। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिल्ली की तरह, तो इतना इन्जॉयमेंट भी नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हो पाया बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया, मतलब हमने घूमा भी, हमने खाया पिया भी अच्छे से, पानी भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग और मेरे सारे जितने भी खट्टी मामी ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो फिर जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।